दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई i20 के सभी वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों मैग्ना वेरिएंट, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ऑप्शनल सभी वेरिएंट के अंदर आपको कौन कौन से फीचर दिए जाते हैं उन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, जैसे कि इस गाड़ी का प्राइस, इसमें मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन और डायमेंशंस के साथ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम प्राइस की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर हुंडई i20 की प्राइस देख सकते हैं। मैग्ना वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है 6,80,000 रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल की प्राइस जाती है 10,60,000 रुपए तक। मैग्ना वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, जिसकी प्राइस है 6,80,000 रुपए, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जिसकी प्राइस है 8,20,000 रुपए। उसके बाद में स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर 1.2 पेट्रोल इंजन की प्राइस 7,60,000 रुपए, और उसी के अंदर आपको सीवीटी मिल जाता है जिसकी प्राइस है 8,60,000 रुपए। स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ में आपको 1.0 लीटर का IMT ट्रांसमिशन भी मिल जाता है जिसकी प्राइस है 8,80,000 रुपए, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जिसकी प्राइस है 9,00,000 रुपए। उसके दोस्तों आपको एस्टा वेरिएंट में डीजल इंजन को छोड़कर बाकी सभी इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं और सभी ट्रांसमिशन भी मिल जाते हैं, जिसकी प्राइस की यहाँ पर आप देख सकते हैं। एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी प्राइस है 9,20,000 रुपए, और एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 1.0 लीटर का DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है जिसकी प्राइस है 11,18,000 रुपए। 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिल जाता है एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में जिसकी प्राइस है 10,60,000 रुपए। अब बात करते हैं हुंडई i20 की डायमेंशंस के बारे में। इस गाड़ी की चौड़ाई यहाँ पर आपको 1775 mm की मिलती है और हाइट यहाँ पर आपको 1505 mm की दी गई है। लंबाई की बात करें तो 3995 mm की लंबाई मिल जाती है और 2580 mm का व्हील बेस आपको हुंडई की i20 में दिया गया है, और बूट स्पेस यहाँ पर आपको 311 लीटर का हुंडई की i20 में मिल जाता है। i20 में आपको 15 इंची और 16 इंची के टायर साइज मिल जाता है। बेस वेरिएंट में आपको 15 इंची का मिलेगा और टॉप एंड वेरिएंट में आपको 16 इंची के टायर दिए गए हैं। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला इंजन मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर आपको 83 PS की मिलती है और 115 Nm का टॉर्क मिल जाता है। इस इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.35 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है और CVT ट्रांसमिशन में 19.65 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है। यह इंजन आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन के साथ में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर आपको 120 PS की मिलती है और इसमें आपको 172 Nm का टॉर्क मिल जाता है। IMT ट्रांसमिशन के साथ में 20.25 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है और DCT ट्रांसमिशन के साथ में 20.25 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है। इस इंजन में आपको 6 स्पीड का IMT ट्रांसमिशन और 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, 100 PS की पावर इसमें आपको मिलती है और 240 Nm का टॉर्क मिल जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 25.2 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है और इस इंजन के साथ में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं फीचर्स के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्ना मॉडल के अंदर मिलने वाले सभी फीचर्स के बारे में। एरा मॉडल को यहाँ पर हटा दिया गया है, अब बेस वेरिएंट यहाँ पर आपको मैग्ना ही मिलता है। मैग्ना वेरिएंट के एक्सटीरियर में दोस्तों आपको फ्रंट में स्टैंडर्ड हेलोजन हेडलाइट दी गई है, ब्लैक कलर की फ्रंट ग्रिल यहाँ पर आपको मिलती है और LED डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है जो कि आपको फॉग के पास देखने को मिलेगी। फ्रंट में यहाँ पर आपको स्किड प्लेट भी मिल जाती है ब्लैक कलर की। आउटसाइड डोर हैंडल यहाँ पर आपको बॉडी कलर में दिए गए हैं और बॉडी कलर का बम्पर मिलता है। बी पिलर भी यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का ही देखने को मिलेगा। मैग्ना मॉडल की साइड प्रोफाइल में आपको R15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं विद फुल व्हील कवर। रूफ माउंटेड एंटीना दिया गया है और यहाँ पर आपको रियर में जेड शेप के टेल लैंप दिए गए हैं जो कि आपको हेलोजन में मिलेंगे। LED आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको दिया गया है। कप होल्डर और बोतल होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए, और यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। फ्रंट सीट के हेडरेस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं मैग्ना वेरिएंट में, और रियर सीट के हेडरेस्ट यहाँ पर आपको फिक्स देखने को मिलेंगे। मैग्ना वेरिएंट में आपको फिक्स आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसको कि आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मैग्ना वेरिएंट के इंटीरियर में दोस्तों आपको कुछ इस तरह का 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है, जिसके साथ कि आपको FM, AM, ब्लूटूथ, USB ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाती है। फ्रंट एंड रियर स्पीकर दिए गए हैं और ट्विटर भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी यहाँ पर आपको मैग्ना वेरिएंट में ही दोस्तों मिल जाते हैं इस म्यूजिक सिस्टम के साथ में। अब हम बात करते हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। मैग्ना वेरिएंट में आपको सेफ्टी के लिए ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग दिए गए हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS विथ EBD का फीचर मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप दिए गए हैं, डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फीचर मिल जाता है।
कीलेस एंट्री यहाँ पर आपको मिल जाती है विथ फोल्डेबल की। सेंट्रल लॉकिंग भी दोस्तों आपको इसमें दी गई है। सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स विथ रोल लिमिटर का फीचर मिल जाता है। ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया गया है। स्पीड अलर्ट का फीचर दिया गया है और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिल जाता है। मैग्ना ब्रांड में दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता है, जो कि आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलना शुरू होगा। मैग्ना ब्रांड में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिए गए हैं। फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज मिल जाती है, जिसमें कि आपको ऑटो डाउन ड्राइवर विंडो का फीचर भी मिल जाता है। एयर कंडीशनर यहाँ पर आपको दिया गया है। मैनुअल इको कोटिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। रियर एसी वेंट्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील का फीचर मिल जाता है। क्लच फुटरेस्ट दिया गया है। पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर मिल जाता है। फ्रंट पावर आउटलेट दिया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए, और रियर में भी आपको USB चार्जर मिल जाता है। लेन चेंज इंडिकेटर का फीचर भी दिया गया है। ये सभी फीचर यहाँ पर आपको हुंडई i20 के मैग्ना वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। जो फीचर आपको मैग्ना वेरिएंट में दिए गए हैं वो सभी तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ही, उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में और कौन से फीचर ऐड किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट्स वेरिएंट में दोस्तों आपको सेफ्टी के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर का फीचर भी मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और रियर डिफोगर विद टाइमर का फीचर मिल जाता है। ये सभी फीचर यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए मिल जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में, जो कि आपको मैग्ना वेरिएंट में नहीं मिल रहे थे। एक्सटीरियर की बात करें तो जेड शेप के LED टेल लाइट दी गई है। मैग्ना वेरिएंट में आपको हेलोजन टेल लाइट दी गई थी। उसी के साथ में यहाँ पर आपको टेल लाइट के ऊपर क्रोम की फिनिश मिल जाती है, वेरिएंट में नहीं मिल रही थी। टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको ORVM में देखने को मिलेंगे, और R16 इंच के स्टाइल व्हील यहाँ पर आपको मिलते हैं। शार्क फिन एंटीना यहाँ पर आपको दिया गया है एक्सटीरियर में। स्पोर्ट्स वेरिएंट में दोस्तों आपको इंटीरियर में ब्लैक विथ रेड इंसर्ट मिलते हैं, जो कि आपको DCT ट्रांसमिशन में मिलेंगे। मेटल पेडल मिलते हैं यहाँ पर आपको, जो कि टर्बो वेरिएंट में मिलेंगे। रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है विथ डिजिटल MID। ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों आपको मैग्ना वेरिएंट में मिल रहा था। स्पोर्ट्स वेरिएंट में दोस्तों यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम के अंदर भी अपग्रेड देखने को मिलेगा मैग्ना वेरिएंट से। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसके साथ कि आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का फीचर भी मिल जाता है विद वॉइस कमांड। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स के लिए ज्यादा बड़ा अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा मैग्ना वेरिएंट से। सिर्फ दो ही फीचर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM मिल जाते हैं विद ऑटो फोल्ड। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये सभी फीचर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको मैग्ना वेरिएंट में नहीं मिल रहे थे। अब हम बात करते हैं एस्टा वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। अभी तक दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी फीचर बताए हैं मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट में, उसके अलावा यहाँ पर आपको एस्टा वेरिएंट के अंदर कौन से एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एस्टा वेरिएंट में सेफ्टी के लिए पेडल लैंप मिल जाते हैं विद वेलकम फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर मिल जाता है सेफ्टी के लिए, जो कि आपको सिर्फ DCT ट्रांसमिशन में मिलता है। हिल असिस्ट कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है, और स्मार्ट की यहाँ पर आपको मिलती है। ये फीचर यहाँ पर आपको मिलते हैं सेफ्टी के लिए। एक्सटीरियर में आपको क्या बदलाव मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एस्टा वेरिएंट के एक्सटीरियर में दोस्तों आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन। हेडलैम्प के अंदर ही दोस्तों यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लाइट भी मिल जाती है। इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प के पास में DRL दी गई थी। क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं। ब्लैक कलर के ORVM दिए गए, जो कि आपको DCT ट्रांसमिशन में मिलेंगे, और R16 इंच के डायमंड कट एलो व्हील्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एस्टा वेरिएंट में। एस्टा वेरिएंट के इंटीरियर में दोस्तों आपको एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। लेदर वार्प स्टेयरिंग व्हील और गियर नोब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एस्टा वेरिएंट में भी दोस्तों आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इस गाड़ी के एस्टा वेरिएंट में ही दोस्तों आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर की आपको नेविगेशन मिल जाता है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। इस म्यूजिक सिस्टम के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको बॉस का प्रीमियम साउंड मिल जाता है, और सब बूफर भी यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको हुंडई की ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। एस्टा वेरिएंट में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट की यहाँ पर आपको मिलती है विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है। एयर प्यूरीफायर यहाँ पर आपको दिया गया है। वायरलेस फोन चार्जिंग का फीचर मिल जाता है एस्टा वेरिएंट में। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पर आपको मिलती है। रियर वाइपर और वॉशर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है एस्टा वेरिएंट में। फ्रंट एंड रियर USB चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलती है, और लगेज लैंप यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये वो सभी फीचर है दोस्तों, जो कि आपको एस्टा वेरिएंट में मिल जाते हैं, लेकिन मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे टॉप एंड वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में।
अभी तक दोस्तों हमने यहाँ पर आपको जितने भी फीचर बताए मेगना, स्पोर्ट्स और एस्टा वेरिएंट में, उसके अलावा यहाँ पर आपको एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि आपको सिर्फ DCT ट्रांसमिशन में ही मिलता है। हिल स्टार्ट असिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिए गए हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। इन सभी फीचर के अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल में ही दी है और क्रूज कंट्रोल भी दोस्तों यहाँ पर आपको एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में मिल जाता है। तो ये सभी फीचर दोस्तों यहाँ पर आपको हुंडई i20 के एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने सभी फीचर के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया है। मेगना वेरिएंट, स्पोर्ट्स वेरिएंट, एस्टा और एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट सभी के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं जिनको कि हमने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।